हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दी ऑनलाइन क्लास ऑफ सोशल स्टडी प्रोवाइडेड बाय राजस्थान एकेडमी चूर। स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा था इलेक्टर पॉलिटिक्स का, उसके अंदर हम इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया की स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने एक पॉइंट ए पढ़ लिया था, बी का अपना चल रहा था रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उसके बारे में भी हमने स्टडी की थी थोड़ी, कि जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने इस प्रकार की पॉलिसीज बनाई थी कि जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, समाज का जो अपना कमज़ोर वर्ग है, उसके पास में पूरे रिसोर्स नहीं होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनके लिए कुछ सीटें हैं उन्होंने रिजर्व रखी थी। तो देखिए एक बार पुनः इसको, द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ ए स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शन, कि समाज का जो कमज़ोर वर्ग है उसके लिए कुछ सीटें आरक्षित रखी जाएं, इलेक्शन के अंदर भी, चुनाव के अंदर भी। सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व्ड फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट, जिसको SC कहते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं जो रिजर्व, जो SC होती है, शेड्यूल कास्ट जो है उसके लिए रिजर्व रखी जाती हैं, और एंड सम शेड्यूल ट्राइब भी ST जिसको कहते हैं। कुछ जो सीटें होती हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब जो कास्टेज होती हैं उनके लिए रखी जाती हैं। इन ए SC रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली SC कैंडिडेट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। जो सीटें SC के लिए रिजर्व्ड होगी उसके लिए केवल जो शेड्यूल कास्ट का ही जो कैंडिडेट होगा वो चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, और सिमिलरली ओनली दोज बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब कास्ट कैन कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन फॉर्म ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड फॉर ST। और इसी प्रकार से ST के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो रिजर्व होती है उसके लिए ST का ही कैंडिडेट क्या कर सकता है, इलेक्शन फॉर्म फिल कर सकता है, चुनाव के लिए वो चुनाव लड़ सकता है। तो इस प्रकार से इन द लोकसभा के अंदर 79 सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट। 79 सीट्स लोकसभा के अंदर 79 सीट्स हैं वो रिजर्व हैं किसके लिए, SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं, फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड 41 फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, और 41 सीट्स हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व हैं। दिस नंबर इज इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन, और ये जो 41 और 79 जो सीटें हैं वो टोटल पॉपुलेशन के अंदर, टोटल जो जनसंख्या है उसके अंदर उनका जो शेड्यूल ट्राइब का और शेड्यूल कास्ट का जो नंबर है, अनुपात है, उस अनुपात के अंदर इन सीटों को रिजर्व रखा जाता है। दस इस प्रकार से द रिजर्व सीट्स फॉर SC एंड ST डू नॉट टेक अवे द लेजिटिमेट शेयर ऑफ एनी अदर सोशल ग्रुप, इसलिए जो सीटें SC और ST के लिए रिजर्व होती हैं उनके अंदर जो दूसरी अपनी सोशल जो कास्ट हैं उनके द्वारा नहीं ली जा सकती, उन पर केवल SC और ST का ही कैंडिडेट इलेक्ट हो सकता है। इन मैनी स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर सीट्स इन रूरल पंचायत एंड अर्बन म्यूनसिपालिटीज एंड कॉरपोरेशन लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व्ड फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज OBC एज वेल। इसी प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव होते हैं, छोटे कस्बों में जो नगरपालिका चुनाव होते हैं, और कॉरपोरेशन के जो चुनाव होते हैं, नगर निगम के जो चुनाव होते हैं, उसमें बैकवर्ड जो क्लासें होती हैं, OBC के अंदर जो कास्टेज आती हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। However, फिर भी the proportion of seats reserved varies from state to state. Similarly, 1/3 of the seats are reserved in rural and urban local bodies for women candidates. इस प्रकार से अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग सीटें हैं वो रिजर्व रखी गई हैं अलग अलग कास्टों के लिए, जिस स्टेट में जैसी जो कास्टेज हैं जिनका नंबर ज़्यादा उसी प्रकार से उनका रिजर्वेशन रखा गया है, और अपने जो चुनाव हैं उनके अंदर महिलाओं के लिए भी रिजर्व सीटें रखी गई हैं, और उनका प्रतिशत होता 1/3 जो है वो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी जाती हैं। उसके बाद में ये हुआ अपना बी सेक्शन, उसके अंदर इलेक्शन सिस्टम के अंदर
थर्ड आता अपना वोटर लिस्ट, क्या आता वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट देखिए, वंस द कॉन्स्टिट्यूशन, वंस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिसाइडेड, एक बार जब चुनावी क्षेत्र निर्धारित हो जाते हैं, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट। तो अगला जो कदम होता है वो ये होता है कि कौन वोट डाल सकता है, कौन वोट नहीं डाल सकता। दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनी वन टिल द लास्ट डे, और ये जो निर्णय होता है वो अंतिम दिन तक के लिए नहीं छोड़ा जा सकता, कि चुनाव का दिन जब अंतिम चुनाव का दिन हो उस दिन हम क्या करें कि ये डिसाइड करें कि कौन वोट डाल सकता है कौन नहीं डाल सकता, तो ये हमें ये कार्य पहले करना होता है। तो इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जो भी लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं, द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रीपेयर्ड मच बिफोर इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन। चुनाव से बहुत पहले जो ये जो वोट डालने के योग्य हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है और वो प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचाई जाती है। दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्ट्रल रोल और इज कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट। सामान्य रूप से ऑफिशियली तो उसको इलेक्ट्रल रोल कहते हैं और बाकी कॉमनली हम उसको वोटर लिस्ट के नाम से जानते हैं, यानी वोटर लिस्ट तैयार की जाती है चुनाव से बहुत पहले, 2 या 3 महीने पहले, और प्रत्येक व्यक्ति के पास वो पहुंचाई जाती है। एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रत्येक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनने के समान अवसर मिलते हैं। इन चैप्टर 1 वी रीड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हमें जो वैश्विक वैश्विक मताधिकार है उसके बारे में हमने पहले चैप्टर में स्टडी की थी। इन प्रैक्टिस व्यवहार में इट मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। उसका मतलब ये है कि प्रत्येक को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और प्रत्येक के वोट का जो वैल्यू है, मूल्य है, वो समान होना चाहिए। नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट ए गुड रीजन, बिना किसी अच्छे कारण के किसी को भी वोट डालने से मना नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका, डिफरेंट सिटीजन्स डिफर फ्रॉम वन अनोदर इन मेनी वेज, जो नागरिक हैं वो एक दूसरे से अलग अलग तरीके से भिन्न भिन्न हैं, समान कोई नहीं है। सम आर रिच सम आर पुअर, कुछ रिच हैं कुछ पुअर हैं। सम आर हाईली एजुकेटेड, कुछ उच्च शिक्षित हैं। सम आर नॉट सो एजुकेटेड, कुछ अच्छे शिक्षित नहीं है, और नॉट सो एजुकेटेड और नॉट एजुकेटेड, कुछ उच्च शिक्षित नहीं है कुछ बिल्कुल शिक्षित नहीं है। तो इस पर एट ऑल सम आर काइंड सम आर नॉट, कुछ दयालु हैं कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति क्या अलग अलग है। इन आवर कंट्री, हमारे देश में ऑल द सिटीजन एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन। हमारे देश के अंदर प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज़्यादा वो वोट डाल सकता है। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट, प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार है, रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट रिलीजन एंड जेंडर, यानी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का समान रूप से अधिकार है। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर लिस्ट, और ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि प्रत्येक जो योग्य वोटर हैं जिनका वोट है जो एलिजिबल हैं उनका नेम है वो लिस्ट के अंदर होना चाहिए। ये जिम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट की। नेम ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस और दोज हु आर डाइड आर डिलीटेड, उनके नाम जो एक स्थान को छोड़कर के जा चुके हैं लंबे समय से, या जिनकी डेथ हो गई है, उनके नेम है वोटर लिस्ट से डिलीट किए जाते हैं। ए कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक प्लेस एवरी 5 ईयर, प्रत्येक 5 वर्षों में उस लिस्ट का क्या किया जाता है, रिवीजन किया जाता है। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स ए न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको EPIC आप कहते हैं, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है वो पिछले कुछ वर्षों से हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, जारी होने लगा है। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू गिव हिज कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट, सरकार है वो प्रत्येक व्यक्ति को ये कार्ड देने का प्रयास करती है वोटर लिस्ट के माध्यम से। नेक्स्ट देखिए,
दिस कार्ड इज नॉट येट कंपल्सरी फॉर यंग. जो कार्ड दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा वो यंग जो पीपल हैं उनके द्वारा अनिवार्य नहीं है. क्यों नहीं है? फॉर यंग जो वोटर्स होते हैं उनके पास में मेनी अदर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी होते हैं, लाइक द राशन कार्ड और द ड्राइविंग लाइसेंस. तो उनका प्रयोग करके भी जो आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है या राशन कार्ड है, उसके आधार पर भी वोटर क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है. तो उसको जो वोटर कार्ड है उसकी आवश्यकता नहीं होती है. तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अपना जो वोटर लिस्ट का कार्य होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स की, कैंडिडेट्स हैं वो किस प्रकार से अपना फॉर्म फिल करते हैं, अपना नॉमिनेशन किस प्रकार से करते हैं. थैंक्स.